मुख्यमंत्री राजनीति के संत स्वर्गीय कैलाश जोशी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर समाज सेवा के कार्य भी किए गए। स्वर्गीय कैलाश जोशी की पुण्यतिथि पर उनके सुपुत्र पूर्व मंत्री दीपक जोशी के द्वारा नगर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर विद्यार्थियों को कॉपियों का वितरण किया गया। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष महेश दुबे, पूर्व विधायक गणपत पटेल, मंडल अध्यक्ष सुनील पटेल, डॉक्टर बीपी मालवीय, सत्यनारायण तिवारी, प्राचार्य राकेश तिवारी सहित वक्ताओं ने स्वर्गीय कैलाश जोशी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन के मूल्यों एवं आदर्शों का बखान किया। वक्ताओं ने कहा कि एक छोटे से गांव में पैदा होकर स्वर्गीय कैलाश जोशी ने राजनीति के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया है। उनके जीवन में हमें ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और आज उनके सुपुत्र दीपक जोशी भी उनके बताए मार्ग पर चलते हुए राजनीति के माध्यम से जनसेवा का कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता राधेश्याम डाबी, नगर अध्यक्ष सुशील पंसारी, विधायक प्रतिनिधि पुरुषोत्तम बियानी, मंडल महामंत्री संतोष चौबे, आशुतोष पाराशर, बंसीलाल भूतड़ा, नंदकिशोर बाल्दी सहित विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक विजय तिवारी व आभार शिक्षक शाकिर खान ने माना। कि आप सब शासकीय विद्यालय के बच्चे बच्चियों, ऐसा लगता है कि आज के इस युग में जब बड़ी तेजी से जमाना आगे बढ़ रहा है तो हमको लगता है कि हम क्या इस विद्यालय में पढ़ने छोटे से गांव में पैदा हुए थे, मतलब स्वयं को और स्वयं के साथ साथ हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए या अच्छे काम करने के लिए, बुरे काम करने के लिए कहीं ना कहीं हमारा शरीर होता है और शरीर के साथ साथ क्या होता है, मन, मन होता है ना। दोपहर न्यूज के लिए काटा फोर से द्वारिका शर्मा की रिपोर्ट।